आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन गांधरबल नुसरत इशफाक ने साबिक एमएलए गांधरबल शेख इशफाक जब्बार के साथ और जेंड के सपोर्ट्स कौंसिल के अहदेदारों की एक टीम ने आज जिले गांधरबल के कई खेल के मैदानों की सहूलियत का दौरा किया और यहां नए कायम करदा और मौजूदा खेल के मैदानों के बुनियादी ढांचे का मुआयना भी किया। मुआयने का मकसद गांधरबल में खेलों की मौजूदगी और सहूलियत की हालत का जायजा लेना और किसी ऐसे शोबे की निशानदेही करना था जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है। टीम ने बुनियादी ढांचे के साजो सामान और देखभाल का जायजा लेने के लिए वारपुरा बाकुरा खलमुला मलशाही बाग बीहामा नज़दीक एसपी ऑफिस गुटली बाग मैनीगाम लार बेनहामा वातल बाग तुलमुला वाकुरा खानपुरा शालबुग जजुना बटविना और जिले के दीगर खेलों के मैदानों का दौरा किया। मुआयने के दौरान डीडीसी की चेयरपर्सन ने निचली सतह पर खेलों के फरोग देने और ज़िले में उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। अहदेदारों ने खेलों और मकामी अंजुन मनु के खिलाड़ियों से मुलाकात की ताकि उनकी ज़रूरियात और खदशात को समझा जा सके। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ी की एक खसूसी रिपोर्ट। बेस्ट भी नहीं होता है सर। चलो स्पोर्ट्स काउंसिल, इसमें हम एक अच्छा सा वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। केस पोकरस कमो केस तहसील मे मतलब मैदान बनो तुहदे दुआ की बरकत है मजूस नेट वेट तो बच्चे हेकन सर मे चीज अर्ज रहा मे अगर ज्यादा पहन पोस गई फिलिंग मामलस ना फारूक अहमद है, मैं तुलमुला का ही एक लोकल रेजिडेंट हूँ सर। यहाँ एक सपोर्ट्स के एक ऑफिशियल को अपने साथ ले आए, हमारे जो मुतालबात थे हमने अपने कायद से इशफाक साहब से कई बार ये कहे और अल्लाह के फजल व करम से आज इशफाक साहब ने उनको अपने साथ ही हमरा ले आए। तो सर हमने यहाँ पे एक डिमांड रखी इशफाक साहब के सामने, इशफाक साहब ने भी इस पर बहुत सारी तकदव की और आज अल्लाह के फजल व करम से लगभग अब चांसेस है कि अब ये बनने वाला है। यहाँ पे हम एक स्टेडियम मांग रहे हैं, पहले इसकी अर्थ फिलिंग हो जाए, फिर इशफाक साहब ने ये कहा कि इस पर एक चेंजिंग रूम लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, नेट प्रैक्टिस के लिए एक नेट पिच अलग होना चाहिए। इसी मामले को लेकर आज इशफाक साहब ने इस यूथ सर्व स्पोर्ट्स के एक ऑफिशियल को अपने साथ ले आए और इसी पे लोगों ने मुताल। अस्सलामु अलैकुम, गुलाम अहमद वार बाकरी पेट ग्राउंडस में। अच्छी ये प्रॉब्लम कि अस गर्थ फील्डिंग फील्डिंग गाँव प्रॉब्लम यहाँ बचन लगान ये कन अश क्या जरूरी फील्डिंग बेचे इंजीनियर ड्रेन यह जरूरी कि अत आब अम से नाली गसान अत रूद स बगैर बेस ग ड्रेसिंग रूम तुन या बाथरूम तुन ग्राउंड खातर यह जरूरी खातर। इशफाक सोब शुक्र गुजार कि अमन योर एफसर सपोर्ट अन यह वन करूँ यह शुक्र गुजार। मे नाव मोहम्मद मकबूल, बहुत वारपा रोजान पथ कुन तौर इशफाक सोब दि लटि त्रावन फिलिंग विलिंग ब्लॉक व्लॉक दौन तो अम्स आज गुजारिश कर कि यह गोन लड़कन हंद खुद बड़ कम्फर्टेबल ग्राउंड बन सीटन हूँ तुम इंतजाम ये फिलिंग खास कर ज्यादा जरूरत वनकन लूक पक लोड पकान लड़क नशस कुन अम नश नश यहाँ दूर थवान कि इशफाक सोबस कर गुजारिश मैडम तक गुजारिश ये ग्राउंडस कुन दी तुम पूर धान यह गोस अ शोबदार ग्राउंड बन नाव मोहम्मद अमीन भट मलशाही ब्रोह पेट ऑलरेडी यह गाँव वालों सान बचन हंद खुद थोमुत तो तिंद ग पिटन सटा शुक्र गुजार कि जिमन ये अम खुद थोम सपोर्ट्स खुद ये तो मगर ये गई वह प्रॉब्लम क्या यह गई ना कंडी क्या वन कंडी एरिया ये कन्न वन कन वे तो वो कह थोड़ा कोर ब्लॉक वालों तुम हेल्प थोड़ा बहुत मगर तम सज मतलब तीस प्रॉब्लम गई ना हल कह तो वो गई जनाब कश्मीर सपोर्ट्स वाले इशफाक सोब दाय खर
तो वो इशफाक सब यह मौकसी पे वनस वन आलरेडी यह ग्राउंड सिचुएशन क्या है तो अम खुद फंडस मंगान कश्मीर ये खुद ग्राउंड फर्स्ट क्लास बच्चन हिंद गिंद लायक रोजि तो बेस मतलब सान खुद सो। आज हमने गांधरबल के मुख्तलिफ प्ले फील्ड्स का मुआयना किया जिसमें हमारे डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा की सरबराही में और हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के इंजीनियर साहिबान हमारे साथ थे। पहले हमने ये इस वक्त हम बटवीना के इलाके में ये हमारा सुबह से 15वां ग्राउंड है जिस पे हमने इंस्पेक्शन किया और बाकुरा से हमने सुबह शुरू किया और गुटली बाग मणिगाम लार से होते हुए शालबुग वगैरह लास्ट हमने यहाँ बटवीना में किया और कुल मिला के जो अभी हमें पाइपलाइन में जो हमारे प्रोजेक्ट्स है स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू तकरीबन 3 करोड़ के काम हैं जो इस साल हमारे ग्राउंड पे सरफ होंगे और जो कुछ नए ग्राउंड्स हमने देखे और जो कुछ और कुछ ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है कुछ अच्छे अच्छे प्ले फील्ड्स हैं जिनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जैसे शालबुग का है बटवीना का लार का गुटली बाग या वगैरह उसके लिए एक डिटेल्ड एक डीपीआर बनेगा जो गवर्नमेंट से हम टेक ओवर करके इंशाल्लाह अगले प्लान में हम उसको भी कोशिश करेंगे कि वो काम हो और बच्चों को एक यहाँ के यूथ्स को एक खेलकूद के लिहाज से फैसिलिटी मिले ताकि हमारे यहाँ भी जो यह टैलेंट बहुत ज़्यादा है जो हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एरिया को और खसूसन जो इस वक्त मनीषियात का एक बड़ी बिद्दत हमारे समाज में दीमक की तरह हमारे बच्चों को हमारे आने वाली पोत को चाट रही है उनको उन कामों से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बेहद ज़रूरी है।